Hi everyone, this is Veronica, your UPSC CSC educator, और welcome to Study Close. Study Close पे हम UPSC का एक strategy course लेके आ रहे हैं. अब आपको मैं बता दूँ strategy course क्या है. बहुत सारे students होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी किसी ने बता दिया तो पढ़ना शुरू कर दिया. So I see a lot of queries on my Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, जहाँ पे बहुत से मुझे direct messages आते हैं और एक एक को reply करना भी possible नहीं होता, जिनको सिर्फ इस exam को detail में जानना है कि किस तरीके से हम IAS बन सकते हैं, आप लोग IPS बन सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे होनी चाहिए. तो मुझे लगा कि आपके लिए एक कोर्स लेके आऊँ, लाइव कोर्स, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट इंटरैक्ट कर पाए और डिटेल में हम इस कोर्स के बारे में बात करें कि पूरा सिलेबस देखे बैठ के कि सिलेबस क्या है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसकी तैयारी होनी चाहिए, पूरे साल में किस तरीके से डिवाइड किया जाना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए. तो मैं आपको ये जो कोर्स लेके आ रही हूँ स्टडी ग्लोज पे, उसके हाइलाइट्स में आपको फिलहाल बता दूँ. तो चार सेशन में मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, जो कि लाइव क्लासेस आपकी होंगी और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, बहुत नॉमिनल प्राइस में. आप स्टडी ग्लोज की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी. फर्स्ट सेशन में मैं आपको ओवरव्यू दूंगी. ऑब्वियसली यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन बिटवीन ऑल्सो. पूरा ओवरव्यू दूंगी, हम साथ में बैठ के सिलेबस को एनालाइज करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेजर जो सर्विसेज भी हैं, ये IAS, IPS और भी बहुत, क्योंकि किसी से आप पूछें जिसको UPSC का पेपर देना है, आपको क्या बनना है, IAS बनना है, IAS बनना है, बट देर आर मैनी अदर सर्विसेज ऑल्सो, उनके बारे में भी आपको बताऊंगी. क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो IAS मतलब मेरिट पे, आपको नॉर्मल जिसका हाई मेरिट होता है उसको IAS ये सर्विसेज मिलती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लेकिन उनका इंटरेस्ट किसी और सर्विस में होता है, शायद फॉरेन सर्विसेज में या पुलिस सर्विसेज में, वो ऑप्ट करते हैं. तो वो कैसे किया जाता है, इस प्रोसेस, पूरा प्रोसेस क्या है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, एक एक सब्जेक्ट के बारे में, किस तरीके से आपको मेहनत करनी है, मेहनत कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है हार्डवर्क, कितना इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क, कैसे करना है, कंसिस्टेंसी की क्या अहमियत है यहाँ पे, और रिविजन स्ट्रैटेजी. रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपके 3 R होते हैं. फर्स्ट यू रीड, आप पढ़ रहे हैं, फिर आप रिवाइज कर रहे हैं, और फिर आपको एग्जाम वाले दिन जाके रिकॉल करना है. सब याद भी तो वापस आना चाहिए जब जब जजमेंट डे होगा, आपको एग्जाम देना है. सेकंड सेशन में हम सिर्फ प्रिलिम्स के बारे में बात करेंगे कि पहली बात, क्योंकि जब आपको IAS बनना है तो पहला स्टेज पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत से लोग प्रिलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते और उनको ऐसा लगता है कि वो आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे हैं, वो मेंस क्लियर कर लेंगे, वो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, लेकिन प्रिलिम्स को क्लियर करना एक आर्ट है. जो भी आप टॉपर से बात करेंगे वो यही बोलेंगे कि जब हम पेपर देने गए हमको 40-50 क्वेश्चंस आते थे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन किसी को नहीं आते, वो आप अपने इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस से सॉल्व करते हैं. तो वो कैसे किया जाता है, दैट आई विल टेल यू. प्रिलिम्स में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को एनालाइज भी करेंगे और मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए, डिटेल में मैं आपको प्रिलिम्स के बारे में बताऊंगी. थर्ड सेशन हमारा रहेगा जहाँ पे हम मेंस और इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे. देखिए, जब भी मैं स्टूडेंट्स को मेंटोर करती हूँ ना, बहुत सारे इस तरह के मैंने 1-on-1 सेशंस भी लिए हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है ये सब चीज़ें समझाने में, और इतना टाइम भी नहीं होता कि हम एक घंटे में ये बात कर पाएँ. सो दैट इज़ वाई आई डिवाइडेड दीज स्ट्रैटेजी कोर्स इन टू 4 lectures, कि हम 4 घंटे में विस्तार में इस पर बात करेंगे कि इन केस आप 2023 का अटेम्प्ट तो आ चुका है, तो प्रिलिम्स में मैं आपको शॉर्ट कुछ स्ट्रैटेजी बता दूंगी कि किस तरह से लास्ट मंथ आप जो बचा हुआ है, अब तो मंथ भी नहीं बचा, आप कैसे रिवाइज करें, और जो लोग 2024 को एम कर रहे हैं उनका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए. मेंस एंड इंटरव्यू, तो यहाँ पे डिटेल में हम एसे पेपर ऑप्शनल किस तरह से चूज करें, आधे स्टूडेंट्स तो यही डिसाइड नहीं कर पाते, प्रिलिम्स हो जाता है कि हमारा ऑप्शनल क्या होगा, करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस है मेंस और इंटरव्यू में, और कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी. देखो, एक खास बात मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ, मैं कभी, एक स्पून फीडिंग होती है ना कि घोल के दे दिया कि पी लो और सब आ गया. देखो, अगर कोई वैसा प्रॉमिस करता है वो टीचर, तो वो गलत है. मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखाऊंगी, आप खुद चूज करेंगे, जिस तरीके का मैं आपको तरीका बताऊंगी ना, आप खुद चूज करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, बस आप वो फॉलो कर लेंगे. अगर आई एम श्योर, मैं आपको लिख के देती हूँ, आपको ये एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता. ऑब्वियसली थोड़ा सा लक का फैक्टर है, लेकिन लक भी उसी को फेवर करता है जो मेहनत करता है. अभी क्योंकि प्रिलिम्स जैसे आ रहा है, तो इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के, एंजाइटी मैम, स्ट्रेस हो रहा है, फैमिली प्रेशर्स है,
कितने सारे और इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं बच्चों को, बॉयफ्रेंड से नहीं पट रही, गर्लफ्रेंड से नहीं पट रही, देर आर मैरिड कपल्स हु आर प्रिपेयरिंग, उनकी लड़ाई हो रही है, वो सब बातें भी हम इसमें करेंगे, आपके अगर स्पेसिफिक डाउट्स होंगे उनको भी केटर करेंगे। तो थर्ड सेशन में हम मेन्स एंड इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे, आई विल गिव यू सम इंटरव्यू टिप्स। अभी रिसेंटली मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार का इंटरव्यू दिया है, नाउ लेट्स सी, आई होप कि उनका रिजल्ट अच्छा आए, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। और फोर्थ सेशन में मैं आपको आंसर राइटिंग के बारे में बताऊंगी, जो एक मेजर है आपके मेंस के लिए। अगर आप अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते लेकिन आपको बहुत नॉलेज है, आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, देखो यूपीएससी में एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लोगों को कैसे पता चलेगा, जो इंटरव्यू पैनल है उसको कैसे पता चलेगा कि भाई तुम तो टॉपर रहे हो, या नहीं भी टॉपर रहे, एवरेज स्टूडेंट हो बट बहुत नॉलेजेबल हो, कैसे पता चलेगा? एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्रेस करना बताऊंगी। इंटरव्यू के लिए तो हम पहले ही बात कर लेंगे कि आंसर में आपने अपने थॉट्स को कैसे पूरा, जो आपको दुनिया भर की नॉलेज है, कुछ लिमिटेड वर्ड्स में कैसे डालना है। वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑल्सो, और टॉपर्स की कॉपीज को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो इस तरीके से चार सेशंस में मैंने आपके लिए ये कोर्स डिवाइड किया है, एंड आई होप कि हम लोगों का बहुत अमेजिंग टाइम जाने वाला है डिस्कशन में। यहाँ पे मैंने 1 आवर लिखा है, बट इन केस हमको लगेगा कि हमको सेशन एक्सटेंड करना है अकॉर्डिंग टू योर डाउट्स, क्योंकि मैं एक एक बच्चे को यहाँ पे सुनना चाहूँगी, मैं सेशन एक्सटेंड भी कर लूँगी, दैट इज़ नॉट एन इशू। और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी PDFs यहाँ पे मैंने बनाए हैं आपके लिए स्पेशल, आपको दिए जाएंगे, ताकि कभी भी आप भटक रहे हो रास्ते से तो आप उसको देख के याद कर लें कि मैम ने क्या बताया था। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट सेशंस में, हमारे ग्रुप डिस्कशंस, क्वेश्चन आंसर सेशंस भी रहेंगे, और अगर आपको मुझसे पर्सनलाइज्ड फीडबैक भी चाहिए होगी आपके बारे में, वो भी मैं आपको दूंगी। तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हम लोग डेफिनेटली करेंगे। कोर्स बहुत जल्द सुधांत सर आपको चैनल पर ही बता देंगे कोर्स कब शुरू हो रहा है। चार पाँच घंटे का ड्यूरेशन में सोच रही, बट इनकेस आप लोगों को लगेगा कि मैम एक सेशन और, आई विल एट दैट, नॉट एन इशू। बहुत नॉमिनल प्राइस पे आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड द ऐप टू बुक ऐप है स्टडी ग्लोज, ये सब तो आपको पता ही है, आई एम श्योर आपके फ़ोन में ये ऐप ज़रूर होगी, वहाँ पे ये कोर्स आपको दिख जाएगा बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, आई एम श्योर, एंड आई वॉन्ट टू सी यू देयर इन द कोर्स। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। थैंक यू।